तो हम लोग पढ़ रहे हैं आज क्लास 9 की संख्या पद्धति। ये लेसन फर्स्ट है, पिछली वीडियोस में आप लोगों को पढ़ाया है। उसका जो अगला टॉपिक है वो है अपरिमेय संख्या। तो आज हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। हमने आप लोगों को परिमेय संख्या बता रखा है, फिर बिल्कुल उसका उल्टा होता है, बिल्कुल अपोजिट होता है। आप लोग पिछली वीडियो देखेंगे तो परिमेय संख्या पता चल जाएगा। हम अपरिमेय के बारे में बताते हैं। अपरिमेय संख्या वो संख्या होती हैं जिसे हम पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। उसमें हमने कहा था पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसमें हम क्या कह रहे हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ये याद रखिए, यही इसकी सबसे बड़ी कंडीशन है अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या की सबसे बड़ी कंडीशन ये है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। बाकी पूरी संख्याएँ वैसे ही रहती हैं। पी और क्यू जो होता है, पी और क्यू जो होता है आपका, वो पूर्णांक होता है। पी और क्यू जो होता है वो पूर्णांक होता है, और क्यू जो होता है इसको हम जीरो नहीं लिख सकते। क्यू डजेंट इक्वल टू जीरो, यहाँ पर क्यू हम नहीं लिख सकते। ये हो गई आपकी परिभाषा। अब अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं इसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और पी और क्यू पूर्णांक हैं, पी और क्यू पूर्णांक हैं, और क्यू डजेंट इक्वल टू जीरो। अब इसका जो एक एग्जाम्पल है वो हम लोग समझे। आपने मान लीजिए लिख लिया रूट टू, लिख लिया मान लीजिए रूट टू लिख लिया। अब हम लोग रूट टू की जो वैल्यू याद करते हैं वो याद करते हैं 1.414। लेकिन जब इसकी रियल वैल्यू निकाली जाती है तो इसके आगे भी ऐसे बहुत सी संख्या चलती रहती हैं, वो रिपीट होती हैं, लेकिन बार बार एक ही संख्या नहीं रिपीट होती, संख्या भी बदलती रहती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 414 है, इसके आगे 4414 हो गया, या इस टाइप से, मतलब कि संख्या रिपीट होती चली जाती है, कहीं पर रुकती नहीं है। अब जैसे मान लीजिए ये हम एक संख्या लिख रहे हैं 0.010, फिर मान लीजिए 110, फिर मान लीजिए 1110, यह है पूरी एक ही संख्या। लेकिन इस तरह से आप देखिए ये एक ही संख्या तो रिपीट हो नहीं रही है, संख्या चेंज भी हो रही है पॉइंट के बाद। तो इस टाइप की संख्या को कहते हैं अपरिमेय संख्या। इसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख नहीं सकते, हमें पता ही नहीं है इसका इंड कहाँ पर हो रहा है। जब इसका हमें यही नहीं पता है इंड कहाँ पर हो रहा है, तो हम अगर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो कितने जीरो लगाएंगे, पता ही नहीं हमको। ऐसी संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या का एक उदाहरण ये हो गया आपका, दूसरा उदाहरण हो गया ये। अब आइए इसका अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक जो है वह हम आप लोगों को बताते हैं रियल नंबर के बारे में। हम लोग ने सबसे पहले ये देखा कि इससे पहले जो पढ़ा था हम लोगों ने परिमेय संख्या, तो हम लोग ने देखा था कि दो संख्याओं के बीच में बहुत ढेर सारी परिमेय संख्या होती हैं, बहुत सी परिमेय संख्या निकालती है, जितनी निकालो उतनी निकलती चली जाए, मतलब कि उसको अपरिमित बोलते हैं, अपरिमित, जिसे हम गिन नहीं सकते। मतलब कि दो संख्याओं के बीच में, या दो संख्याओं के बीच में नहीं तो ऐसे भी अगर देखा जाए तो बहुत सी, मतलब अनगिनत परिमेय संख्या होती हैं। बस उसी प्रकार से अपरिमेय संख्या भी होती है, दो संख्याओं के बीच में या फिर नॉर्मल, मतलब साधारण से अभी अपरिमेय संख्या अपरिमित रूप से बहुत सी होती है, मतलब कि उनको हम गिन नहीं सकते हैं। ये हो गया। अब अगर हम बात करें रियल नंबर की, तो रियल नंबर क्या होते हैं, वास्तविक संख्या। अब यहाँ से एक वास्तविक संख्या की नई डेफिनेशन चालू होती है, वो जो हमने आप लोगों को बताया वो भी सही है, लेकिन यहाँ पर एक नई डेफिनेशन चालू होती है। क्या चालू होती है, जब हम अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और प्लस परिमेय संख्या, जब हम अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों को जोड़ देते हैं, तो वो जो जोड़ी हुई जो एक हमें संख्या प्राप्त होती है पूरी, उसी को कहते हैं वास्तविक संख्या। जब हम अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों को जोड़ देते हैं तो उसको कहते हैं वास्तविक संख्या। ये नई डेफिनेशन हो गई। हाँ, तो अब आइए देखते हैं अपरिमेय संख्या रूट टू का संख्या रेखा पर निरूपण। अब इसको पहले हम आप लोगों को बना करके दिखाते हैं। हाँ, ये देखिए हमने ये संख्या रेखा बना ली। यहाँ पर जो है ये जो संख्या है ये आपकी यहाँ पर जीरो है, ये इधर साइड पॉजिटिव संख्या जा रही है, ये 1, 2, 3, 4, 5 इधर अप टू इन्फेनाइट पॉजिटिव जाएगी, इधर माइनस वाली संख्या जाएंगी। जीरो से ये एक पॉइंट पर, जीरो से एक पॉइंट पर इकाई दूरी पर मान लीजिए ये 1 है, और ये भी 1 है, ये भी इकाई दूरी है, तो इसको हम यहाँ पर 1 पॉइंट पर खींच लेते हैं, तो ये भी 1 हो गई, ये भी 1 हो गई। पाइथागोरस प्रमेय जो होती है, तो पाइथागोरस जो होती है वो होती है
कर्ण का स्क्वायर इजकल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर इजकल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण आपका इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा मान लीजिए लंब, ये हो जाएगा आधार, तो कर्ण ये होगा, ये हो जाएगा। अब मान लीजिए ये आपका हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, ये हो गया सी पॉइंट। तो अगर हम यहाँ पर ए सी की लंबाई निकालें, ए सी का स्क्वायर इजकल टू लंब का स्क्वायर, लंब कितना है एक, एक का स्क्वायर प्लस आधार, आधार हो गया आपका वन, तो आधार का स्क्वायर तो वन का स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर वन, तो ए सी का मान आ गया आपका रूट टू। तो ए सी का मान कितना आ गया रूट टू। अब आप यहाँ पर प्रकार लेंगे, यहाँ पर धरिएगा सुई और यहाँ पर धरिएगा पेन पेंसिल जो आपने लगाया हो। यहाँ से जब आप यहाँ पर सुई रख लेंगे इस तरह से, और यहाँ से फिर जब आप घुमाना चालू करेंगे, यहाँ से आएगी ये, यहाँ कहीं पर आकर गिर जाएगी, यहाँ कहीं पर आकर गिर जाएगी। तो ये जो होगा यही आपका ये जो स्थान होगा ये आपका रूट टू का स्थान होगा। तो संख्या रेखा पर एक से थोड़ा सा आगे और दो से थोड़ा पीछे रूट टू का स्थान होता है। ये हमने आप लोग को टॉपिक पढ़ा दिया, रूट थ्री का हम अगली वीडियो में सिखाएंगे आप लोग।